ठीक है। तो ओपन सिस्टम क्या होता है, ठीक है, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग से हीट एंड एनर्जी दोनों का क्या कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। अगर सिस्टम हमारा इस तरीके का है कि वह सराउंडिंग से मास और एनर्जी दोनों का लेन देन कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं आपका ओपन सिस्टम। एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम, तो एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर मैं सपोज एक कंटेनर है मेरे पास में, ठीक है, इस कंटेनर को मैं हीट कर रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, ऊपर से कोई ढक्कन नहीं लगा है, ठीक है, कोई ढक्कन ऊपर से कोई आपका वेजल नहीं रखा हुआ ताकि तोपा हुआ नहीं है। अगर मैं इसमें मैं मान लो वाटर है, वाटर को हम हीट कर रहे हैं, तो देखिए जो सिस्टम आपका है ना, यह सिस्टम जो आपका क्या कहलाएगा, ओपन सिस्टम कहलाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए इसके ऊपर कुछ है नहीं, इसके ऊपर ढका हुआ कुछ नहीं है। अगर ढका नहीं हुआ है तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि यहाँ से देखिए जो हीट है, जो हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, ठीक है, वह क्या कर रहा है, हीट इस या हीट ट्रांसफर हो रहा है सिस्टम के अंदर में, इस सिस्टम के अंदर क्या कर रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा है। देखिए ये सराउंडिंग, देखिए इसके अलावा जो भी यहाँ पर मैं इस तरीके से बात करूंगा, इसके ये जो है पूरा आपका सिस्टम है, ये पूरा आपका सिस्टम है, और इसके अलावा जो भी है बचा हुआ सबके सब सराउंडिंग है। तो सराउंडिंग से हीट कहाँ पे जा रही है, सिस्टम के अंदर जा रही है, यानी हीट का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। और इसी तरीके से मास, देखिए मास अब देखोगे तो ये जब वाटर गर्म होगा, इसका वेपर बनेगा, जो वेपर बनेगा वो कहाँ जाएगा, एटमोस्फियर में चला जाएगा, सब जाके कहाँ जाने लगेंगे, एटमोस्फियर पर जाने लगेंगे। यानी वाटर अगर सिस्टम से क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए एटमोस्फियर बन के वेपर बन के एटमोस्फियर के अंदर जा रहा है, एटमोस्फियर में जाके मिल जा रहा है, तो इस सिस्टम से मास जो निकल रहा, वाटर भी क्या है, टाइप का मास ही तो है, मैटर भी है, तो मैटर कहाँ से कहाँ जा रहा है, आपका सिस्टम के सराउंडिंग में जा रहा है। यानी आप यहाँ पे आप दोनों देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, और यहाँ पे जो हीट इसने लिया था, हीट जो हमने हीट लिया थी, हीट इसने एब्जॉर्ब किया था, तो वाटर गर्म हुआ था, वह मतलब जो हीट था, हीट को एब्जॉर्ब किया, ठीक है, अपनी काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया, और धीरे धीरे क्या हो गया, उसकी एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि क्या हो गया, वेपराइज हो गया। तो यह जो हीट यह एब्जॉर्ब किया था, ये हीट लेकर भी जा रहा है एटमॉस्फेयर में, अपने तो जा ही रहा है, वाटर मास वाटर जो था खुद तो जा ही रहा है, प्लस में क्या लेके जा रहा है, हीट लेके एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है कि मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका एक बढ़िया सा एग्जाम्पल हो सकता है कि द हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन बीकर कंटेनर, और ये भी क्या है ओपन सिस्टम का एक बढ़िया सा एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो जो कंटेनर है वह ढका हुआ नहीं किसी चीज से, ओपन है, और इसको जब हीट कर रहे हैं तो यह वाटर क्या हो रहा है, वेपराइज होकर के एटमॉस्फेयर में जा रहा है, तो सराउंडिंग में चला जा रहा है, और अपने साथ में हीट भी ले जा रहा है, यहाँ पे मास और एनर्जी दोनों का क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। अगर मैं दूसरी एग्जाम्पल की बात करूँगा, तो हमारी जो खुद की बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, यह भी एक ओपन सिस्टम का एग्जाम्पल है। कैसे, जैसे मान लो कि आप देखते हो कि हम बहुत सारी चीज़ों का क्या करते हैं, त्याग करते हैं, रिलीज करते हैं, ठीक है, सुबह से शाम तक, जैसे कोई टॉयलेट कर रहा है, या आप ऐसा जो पसीना हमारे बॉडी से पसीना निकल रहा है, ठीक है, पसीना क्या निकल रहा है, पसीना निकल रहा वाटर के फॉर्म में निकल रहा है, हमारे अंदर जो मैटर था वह पसीने जो वाटर था, ठीक है, वह हमारे शरीर से बाहर निकल रहा है, और देखो एक तो मास तो निकल ही रहा है, ऑटोमेटिक मास निकल रहा है, और जो हमारे साथ में जो हमारे अंदर की हीट थी, वह हीट क्या हो रहा है, हीट को भी लेकर के बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो क्या वहाँ पे भी क्या हो रहा है, मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज हो रहा है। तो हमारी खुद की बॉडी, ह्यूमन बॉडी भी एक ओपन सिस्टम का एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा क्लोज सिस्टम की, बात करूँगा क्लोज सिस्टम की, मैं यहाँ पे क्लोज सिस्टम की बात करूँगा, तो दिस सिस्टम विच कैन एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ बट कैन नॉट एक्सचेंज मास, एक्सचेंज मास विद सराउंडिंग, आरकाल क्लोज सिस्टम, यानी ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में केवल ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में केवल और केवल एनर्जी का लेन देन कर सकता है, मास का लेन देन नहीं कर सकता, एक्सचेंज नहीं कर सकता, उसे बोलते हैं आपका क्लोज सिस्टम। अगर मैं एग्जांपल की बात करूंगा, अगर ये जो हमने
एग्जांपल लिया था यहाँ पे कि वाटर को हमने हीट, हम क्या कर रहे थे, हीट कर रहे थे, हीट कर रहे थे, ऊपर से कुछ लगा नहीं था, ऊपर से क्लोज कंटेनर नहीं था। अगर मान लो कि हम इसे क्लोज कंटेनर में हीट करें, क्या करें, क्लोज कंटेनर, यानी ऊपर से कुछ हम लगा दें, ठीक है, तो अगर ये चारों तरफ से हम पैक कर दें, इस पूरे कंटेनर को सील कर दें, ठीक है, और इसको हम क्या करें, हीट करें, क्या करें, हीट करें, तो हीट जब करेंगे, ठीक है, जब हम हीट करेंगे तो ये हीट, या जो हीट है आपका जो सराउंडिंग है, इस सराउंडिंग से हीट इस सिस्टम के अंदर जाएगा, और जब ये सिस्टम गर्म होगा, ठीक है, तो निकलना तो चाहेगा, उसका मैटर जो है वेपराइज होगा, जब कोई लिक्विड होगा तो क्या होगा, धीरे धीरे वेपराइज होगा, और वेपराइज होगा तो वेपर बनेगा, तो प्रेशर डेवलप करेगा इसके वाल कंटेनर के वाल पे, ठीक है, लेकिन निकल नहीं पाएगा, लेकिन निकल नहीं पाएगा क्योंकि क्लोज कंटेनर, ठीक है, लेकिन क्या होगा कि जो यह हीट, जो हीट इसने जा क्या, यह हीट धीरे धीरे इसके थ्रू, बाउंड्री के थ्रू क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, इंसुलेटर, बाउंड्री आपका क्या है, कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है, ठीक है, तो ये हीट का क्या कर सकता है, कंडक्ट कर सकता है, तो ये हीट धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे इससे इसके वॉल्स के थ्रू धीरे धीरे रिलीज करेगा, लेकिन मास का कहीं भी एक्सचेंज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये कंटेनर आपका क्या है, क्लोज है। अगर मैं बात करूँ प्रेशर कुकर, आप देख लीजिए प्रेशर कुकर, तो देखिए कुकर को जब आप, अगर मान लो उसको जब हीट करते हैं तो कुकर तो बंद होता है, कुकर क्या होता है, बंद होता है, तो केवल केवल वह क्या करता है, एनर्जी का एक्सचेंज करता है सराउंडिंग के साथ में, मास कहीं बाहर नहीं जाता, उसका मास कहीं पे बाहर नहीं जाता है, तो वह भी प्रेशर कुकर भी हमारा क्या एक एग्जांपल है क्लोज सिस्टम का, ठीक है, क्या समझ में आ रहा है, आ रहा है क्या? जैसे मान लो कि अब एक हॉट वाटर ले लो, ठीक है, हॉट वाटर ले लो, उसे किसी ग्लास में बंद, किसी बॉटल में बंद कर दो, ठीक है, तो देखिएगा वहाँ पे मास का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, केवल एनर्जी धीरे धीरे उसकी क्या होगा, हीट धीरे धीरे कम होगा, उसका टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, और धीरे धीरे करके वह हीट सारा सराउंडिंग में रिलीज कर देगा, लेकिन मास बाहर नहीं निकल पाएगा, क्योंकि वह जो आपका क्लोज बॉटल है वह क्या है, बॉटल बंद है, जब बंद है तो मास निकलने का कोई चांस नहीं है, मास निकल नहीं पाएगा, लेकिन हीट निकल जाएगा, ठीक है। अगर मैं आइसोलेटेड के सिस्टम की बात करूंगा, तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, ऐसा सिस्टम, दो सिस्टम विच कैन नॉट एक्सचेंज ऑफ हीट एंड मास, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग विद सराउंडिंग, ऐसा सिस्टम जो सराउंडिंग के साथ में ना तो मास का एक्सचेंज कर सकता है और ना ही हीट का एक्सचेंज कर सकता है, जो ना तो मास का एक्सचेंज कर सकता है ना तो हीट का एक्सचेंज कर सकता है, किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में, ऐसे सिस्टम को बोलते हैं आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है, ना तो मास का एक्सचेंज होने वाला है ना ही एनर्जी का एक्सचेंज होने वाला है। ओपन में क्या था, दोनों का एक्सचेंज होता था, मास का भी और एनर्जी का सराउंडिंग के साथ, क्लोज में क्या होता था, केवल केवल एनर्जी का एक्सचेंज होता था, मास का एक्सचेंज नहीं होता था, लेकिन यहाँ पे दोनों के दोनों ही एक्सचेंज नहीं हो सकते, ऐसा सिस्टम जो मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ में नहीं कर सकता, उसे क्या बोलते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, जैसे एक थर्मस हो गया, थर्मस की बात करेंगे तो थर्मस जो होता है उसकी जो बाउंड्री होती है, जो मेटल का बना होता है, वह इंसुलेटर होता है, उसको इस तरीके से आप डिजाइन करते हो ताकि चीज़ें जो हम रखते हैं थर्मस के अंदर में वह क्या रहे, हीट रहे, वह इसका हीट क्या रहे, कंटिन्यूली बनी रहे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जो उसके वाल्स होते हैं ना वह इंसुलेटर होते हैं, तो हीट तो जाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर क्या है, इंसुलेटर है, ठीक है। और एक तो इंसुलेटर है, उसकी वाल क्या है, थर्मस की वाल क्या है, इंसुलेटर है। अब मान लो हमारे पास कोई आपका थर्मस हो गया, ठीक है, सपोज है जैसे, मतलब किसी इसको धर देता हूँ मैं, ठीक है, तो ये जो इसके जो वाल्स है क्या है, इंसुलेटर है, इंसुलेटर। जब इंसुलेटर है तो हीट तो बाहर निकल नहीं पाएगा, ना सिस्टम से सराउंडिंग में जा पाएगा, ना सराउंडिंग से सिस्टम में आ पाएगा, हीट
का तो आदान प्रदान लेन देन तो बंद है। अब मास इसका भाई वाल है, ठीक है, और इम्प्रेटिवेबल है, ठीक है, परमेबल नहीं है, यानी न तो मास का भी निकलने का कोई गुंजाइश है नहीं, तो न तो मास निकल पाएगा और न हीट निकल पाएगा। तो जो थर्मस हमारा जो एग्जाम्पल है वो कैसा है, आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छा, लेकिन थर्मस जो है ऐसा, मतलब अगर हीट ना बाहर निकले तब की बात है, हीट और मास दोनों नहीं निकलने वाला है, लेकिन ऐसा तो कोई थर्मस होता नहीं है जो मतलब 100% क्या हो, आइसोलेटेड हो, हल्का हल्का करके धीरे धीरे आने, मतलब 10 घंटों में 15 घंटों में क्या होता है, वो धीरे धीरे रिलीज हो जाता है। लेकिन हमारे पास बस एक मानने के लिए क्या है कि हम ऐसा मान सकते हैं कि ये भी क्या है आपका आइसोलेटेड सिस्टम का ही एग्जाम्पल है, आइसोलेटेड सिस्टम का ही एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, थर्मोडाइनमिक वेरिएबल, क्या पढ़ते हैं थर्मोडाइनमिक वेरिएबल के बारे में। थर्मोडायनामिक वेरिएबल, देखिए थर्मोडायनामिक वेरिएबल क्या होता है, दोज टर्म यहां पर मैं लिख देता हूं, दोज टर्म विच डिसाइड the state of system are called thermodynamic variable. ऐसे टर्म जो क्या करते हैं, किसी कोई सिस्टम है उस सिस्टम की स्टेट में होगा, स्टेट का मतलब लिक्विड में होगा, गैस में होगा, सॉलिड में होगा, किस स्टेट में होगा, यह कौन डिसाइड करेगा, जो टर्म इस चीज को डिसाइड करेगा कि सिस्टम किस स्टेट में पाया जाएगा वह टर्म क्या कहलाएगा आपका, थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अगर मैं थर्मोडायनामिक वेरिएबल की बात करूंगा जिसके चार टर्म होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ठीक है। तो यही जो चार टर्म होते हैं यही डिसाइड करते हैं कि कोई सिस्टम किस स्टेट में पाया जाएगा। जैसे मैं बात करूँ वाटर की बात करूँगा, तो आप जानते हो कि वाटर जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कैसा होता है, आइस होता है, क्या होता है, आइस होता है। देखिए टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तभी वो आइस है, अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ना होता कुछ और होता, जैसे 30 डिग्री सेंटीग्रेड होता, 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता, तो क्या होता कि वह क्या सॉलिड स्टेट में रहता वाटर, नहीं ना। तो टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर रहा है कि कोई भी मैटर किस स्टेट में पाया जाएगा या कोई सिस्टम किस स्टेट में पाया जाएगा, सॉलिड में पाया जाएगा, लिक्विड में, गैस में, पर टेम्परेचर डिसाइड कर रहा है। इसलिए टेम्परेचर क्या है आपका थर्मोडायनामिक वेरिएबल है, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि सिस्टम आपका किस स्टेट में है। जैसे मान लो कि मेरे पास ये सपोज है ये आयरन की रॉड है, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर जो आपका 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर पे क्या है सॉलिड स्टेट में है। लेकिन मैं इसको अगर मैं कहूँ कि 4000 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसको हीट कर दूँ या 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट कर दूँ, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं इसको हीट कर दूँ, तो क्या यह जो सिस्टम है सिस्टम सॉलिड स्टेट में ही रहेगा, नहीं, किस में चेंज हो जाएगा, लिक्विड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट पर अगर हीट करोगे तो क्या होगा, किस में वो चेंज हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो टेम्परेचर ही तो डिसाइड कर रहा है कि भाई ये सॉलिड स्टेट में होगा कि लिक्विड स्टेट में होगा, जो सिस्टम है वह किस स्टेट में पाया जाएगा। ऐसे प्रेशर भी देख लो, आप गैस है, आप जानते हो कि जब आप किसी गैस के ऊपर प्रेशर लगाते हो तो उसका वॉल्यूम कम होता है, अगर बहुत ज़्यादा हम प्रेशर लगा दें, क्या कर दें, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दें गैस को, तो वह लिक्विड स्टेट में चेंज हो जाता है। तो प्रेशर तो डिसाइड कर रहा है कि सिस्टम किस स्टेट में पाया जाएगा, ऐसे ही वॉल्यूम भी आपको डिसाइड करेगा, ज़्यादा वॉल्यूम होगा, अगर गैस की बात करूँगा तो ज़्यादा गैस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और लिक्विड का वॉल्यूम कम होता है, तो वॉल्यूम भी डिसाइड करता है और यहाँ मोल्स भी डिसाइड करता है कि कोई सिस्टम किस स्टेट में पाया जाएगा, यानी दोज टर्म विच डिसाइड द स्टेट ऑफ सिस्टम अर्थात थर्मोडायनामिक वेरिएबल। अगर मैं इसके बाद बात करूँ प्रोसेस की, बात करूँ प्रोसेस
देखिए प्रोसेस क्या होता है, इसको प्रोसेस को आप चेंजिंग बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, चेंजिंग, चेंजिंग। इसको हम जब यहाँ पे केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं तो प्रोसेस को अलग तरीके से डिफाइन करते हैं, लेकिन यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में प्रोसेस का मतलब वही है, लेकिन हम कहने का हमारा अंदाज क्या होगा, अलग होगा। कैसे हम कहेंगे कि प्रोसेस क्या होता है, आपका प्रोसेस को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे, प्रोसेस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, तो प्रोसेस इज ए ऑपरेशन, प्रोसेस इज एन ऑपरेशन, प्रोसेस इज एन ऑपरेशन, प्रोसेस इज एन ऑपरेशन, प्रोसेस इज एन ऑपरेशन, ठीक है। ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन स्टेट ऑफ द सिस्टम चेंज, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द ऑपरेशन स्टेट ऑफ सिस्टम, या बहुत बढ़िया तरीके से हम डिफाइन करना चाहते हैं प्रोसेस को, कैसे कर सकते हैं लो, दूसरा मैं दूसरा बताता हूं, दूसरा क्या होता है, एनी थर्मोडा, एनी चेंजिंग इन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल, इन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम, एनी चेंजिंग इन थर्मोडायनामिक वेरिएबल ऑफ द सिस्टम आर कॉल्ड प्रोसेस, ठीक है। मान लो कोई सिस्टम है, क्या है, मान लो कि कोई सिस्टम है, जैसे मान लो कि सपोज दैट ये मेरे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर, कुछ प्रेशर, कुछ वॉल्यूम और कुछ नंबर ऑफ मोल्स इसमें क्या होंगे, फिक्स होंगे, ठीक है। लेकिन अगर इस जो भी इसका टेम्परेचर प्रेशर जो भी थर्मोडायनामिक वेरिएबल इस सिस्टम का है, अगर इस सिस्टम के थर्मोडायनामिक वेरिएबल में यानी टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम और मोल्स में क्या कर रहे हैं, हम चेंजिंग ला देते हैं, क्या करते हैं, चेंजिंग ला देते हैं, तो जो चेंजिंग होगा, ठीक है, थर्मोडायनामिक वेरिएबल में जो चेंजिंग होगा, उसी चेंजिंग को क्या बोलते हैं, प्रोसेस बोलते हैं। जैसे मान लो, बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे मान लो कि आपका वाटर है, क्या है, वाटर, आइस, अगर मैं इसको हीट करूँ, क्या करूँ, हीट करूँ, क्या करूँ, हीट करूँ, तो कुछ चेंजिंग होने वाला होगा, और जब चेंजिंग होगा तो क्या बन जाएगा, ये लिक्विड बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो आइस की बात करूंगा, मान लो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस को होता ही है, ठीक है, और आइस की जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, ठीक है। इसका प्रेशर जो होगा, जो प्रेशर वही होगा, जो एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है, एटीएम, वही तो प्रेशर आइस है, आइस का भी वही प्रेशर होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर की बात करूंगा तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्रेशर 1 एटीएम है, और मान लो क्वांटिटी तो फिक्स होने वाला है, ठीक, क्वांटिटी तो चेंज होने वाला नहीं है, लेकिन जैसे ही हम क्या करेंगे, हीट देंगे, ठीक है, हीट देंगे तो क्या होगा यहाँ पे, कि हीट देने पे इसका जो टेम्परेचर है, इसका क्या है, टेम्परेचर है, आइस का टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो इसका टेम्परेचर तो वही रहने वाला है, क्योंकि जब तक यह पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो जाता, तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होने वाला। उसी टेम्परेचर पे क्या होगा, जो भी आप हीट दोगे, वह हीट यूज होगा उसके मॉलिक्यूल को क्या करने में, सेपरेट करने में, दूर दूर करने में, ताकि वह लिक्विड स्टेट में जा सके, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ चुकी होगी वाटर मॉलिक्यूल के। तो इसका टेम्परेचर तो अगर मान हम हीट देते हैं, तो कौन कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज होंगे, कौन कौन से थर्मोडायनामिक वेरिएबल चेंज होंगे, टेम्परेचर तो वही रहने वाला है जब तक पूरा आइस पूरा लिक्विड में चेंज नहीं होता, प्रेशर जो है वही एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहने वाला है, लेकिन वॉल्यूम जो है ना, यहाँ पे आइस देख रहे हो, जब आइस पिघलेगा, आइस क्या होगा, मेल्ट होगा, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम में इसकी चेंजिंग आएगी, क्या आएगी, चेंजिंग आएगी। तो किसी एक भी कह रहा है कि एनी चेंजिंग इन थर्मोडायनेमिक वेरिएबल, यानी थर्मोडायनेमिक वेरिएबल जो चार टाइप के थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, उनमें से किसी एक का भी अगर चेंजिंग होता है, एक का भी चेंजिंग होता है, तो वह क्या कहलाता है, प्रोसेस कहलाता है। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो, वॉल्यूम में चेंजिंग हो रहा है, यानी एक थर्मोडायनामिक वेरिएबल में क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो यह जो चेंजिंग है, ऑपरेशन जो है, इसे क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्रोसेस बोलेंगे, क्या समझ आएगा। अच्छा, अब बात करते हैं, इसी लगे हाथों थोड़ा सा और डिफाइन कर लेते हैं, क्या
थर्मोडायनामिक पोटेंशियल, थर्मोडायनामिक पोटेंशियल किसी को बोलते हैं, थर्मोडायनामिक क्वांटिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्वांटिटी। अच्छा, क्या ये होगा थर्मोडायनामिक पोटेंशियल? थर्मोडायनामिक दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द थर्मोडायनामिक वेरिएबल, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच डिपेंड ऑन द थर्मोडायनामिक ऐसी क्वांटिटी जो थर्मोडायनामिक वेरिएबल पर डिपेंड करती है उसे क्या बोलते हैं? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। अगर मैं बात करूं यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में, तो हम लोग यहाँ पे पांच टाइप के क्या पढ़ने वाले हैं? थर्मोडायनामिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ने वाले हैं। उनका नाम मैं लिख देता हूँ, एंट्रॉपी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं एंट्रॉपी को, ठीक है। या आप इसे अगर नहीं सेटिस्फाई तो दूसरा मैं लिख सकता हूँ एंट्रॉपी, ठीक है। एंथैल्पी, एंट्रॉपी गिव्स फ्री एनर्जी और थर्मोस्फीयर एनर्जी। पांच टाइप के थर्मोडायनामिक पोटेंशियल हम लोग थर्मोडायनामिक्स से पढ़ने वाले हैं। कौन कौन सी? एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी, गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोस्फीयर एनर्जी। पांच टाइप की, एंट्रोपी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और गिब्स फ्री एनर्जी और थर्मोस्फीयर एनर्जी। यही जो पांच थर्मोडायनामिक पोटेंशियल है, यही तो पूरे थर्मोडायनामिक्स को रन कराते हैं, इसी का तो हर जगह यूज होने वाला है, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ डालेंगे। इससे पहले हम क्या पढ़ते हैं? टाइप ऑफ प्रोसेस। देखिए, अगर टाइप ऑफ प्रोसेस की मैं बात करूंगा तो यहाँ पे चार टाइप के प्रोसेस होने वाले हैं, ठीक है। कितने टाइप के? चार टाइप। कौन कौन से टाइप के प्रोसेस होने वाले हैं? तो पहला आपका होगा आइसोथर्मल, दूसरा आइसोबारिक, तीसरा आइसोचोरिक, चौथा एडियाबेटिक, ठीक है। चौथा क्या है? एडियाबेटिक। देखो, आइसोथर्मल क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है? तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है, पूरे प्रोसेस के दौरान क्या होने वाला है? टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। यहाँ पे नाम से ही पता चला, आइसो मतलब होता है क्या? समान। आइसो मतलब क्या होता है? सेम, ठीक है। थर्मल मतलब टेम्परेचर, यानी ऐसा प्रोसेस, नाम से ही पता चला, आइसो मतलब सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। यानी पूरे प्रोसेस के दौरान एक ही सिस्टम का जो टेम्परेचर होगा वह एक ही टेम्परेचर होगा, टाइम के साथ में या प्रोसेस के साथ में उसके टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है सेम टेम्परेचर, यानी पूरे प्रोसेस के दौरान एक ही टेम्परेचर होने वाला है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला। यानी दो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, या तो सिस्टम का टेम्परेचर चेंज होने वाला है तो सराउंडिंग का टेम्परेचर चेंज होने वाला है, ठीक है। ऐसा प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर का कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, नाम से ही पता चल रहा है आइसो, आइसो मतलब एक समान और थर्मल मतलब टेम्परेचर। यानी क्या होने वाला है? यहाँ पे एक ही टेम्परेचर बनने वाला है। अगर मैं बात करूंगा जो प्रोसेस होगा इस
प्रोसेस के दौरान में तो अगर टेम्परेचर में कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, तो डेल्टा टी, डेल्टा 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 का मतलब होता है चेंजिंग और टी मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला, इसलिए हम लिखे जीरो। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल लेना चाहते हो, एग्जाम्पल जैसे मान लो कि आपका क्या है, आइस वाला एग्जाम्पल मैंने लिया था, मान लो ये आइस है, ये जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे है, ठीक है, हमने इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया, तो जो आइस जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे था, जब ये पिघल रहा था, जब मेल्ट हो रहा था, तो मेल्टिंग के दौरान में क्या इसके टेम्परेचर में चेंजिंग आ रही थी? नहीं, क्योंकि जब तक ये पूरी तरीके से पिघल नहीं जाएगा, मेल्ट नहीं हो जाएगा आइस, तब तक उसका पूरा टेम्परेचर क्या होने वाला है, टेम्परेचर, जब तक यहाँ तक मान लो कि हमारे पास एक आइस है, आइस है, ठीक है, इधर देखो आइस है, इसको हम हीट करेंगे, तो ये अगर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड पे है, जब हीट करेंगे तो जब ये वाटर बनेगा, मेल्ट हो रहा है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, मेल्टिंग प्रोसेस हो रहा है, जब ये वाटर बन जाएगा, वाटर, तो भी इसका टेम्परेचर जीरो डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा, यानी मेल्टिंग के दौरान में क्या होने वाला है, टेम्परेचर में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है, यानी आपका कौन कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, अब वाटर को गर्म करते हो, वाटर का जब टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच जाता है, कितना पहुंच जाता है, मान लो कि वाटर है, वाटर को जब आप हीट करते हो, वाटर का अगर इसका टेम्परेचर जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस वेपर में चेंज होने लगता है, किसमें, वेपर में चेंज होने लगता है, और इस जो वेपर का भी टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, यानी मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया, सब्लिमेशन, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, फ्रीजिंग हो गया, फ्रीजिंग, ये चारों, तो चाहे मेल्टिंग हो गया, चाहे सब्लिमेशन हो गया, चाहे बॉइलिंग हो गया, चाहे सब्लिमेशन हो गया, ये चारों के चारों, हाँ, नहीं, कंडेंसेशन में टेम्परेचर लो हो जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे क्या, चारों चारों यहाँ पे, चाहे मेल्टिंग हो गया, बॉइलिंग हो गया, सब्लिमेशन हो गया, या फ्रीजिंग हो गया, ये सब के सब क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, सबके सब क्या है, आइसोथर्मल, यानी इसमें टेम्परेचर चेंजिंग नहीं होने वाला है, दो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, ना तो सिस्टम का चेंज होगा, ना तो सराउंडिंग का चेंज होगा। आइसोबारिक, आइसोबारिक में बात करूंगा, तो आइसोबारिक का क्या हो सकता है, दो प्रोसेस, देखो आइसो का मतलब सेम, आइसो का मतलब सेम, और बारिक का मतलब प्रेशर, बारिक का मतलब प्रेशर, अब तो कुछ बताने की आवश्यकता ही नहीं रह गई, क्योंकि सब पता चल गया नाम से ही, आइसो मतलब एक समान, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, प्रेशर चेंज नहीं होता है पूरे प्रोसेस के दौरान, प्रेशर में कोई चेंजिंग नहीं होता है, ऐसे प्रोसेस क्या बोलते हैं, आइसो बारिक प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल की बात करूंगा, एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल से क्या हो सकता है, इसमें मान लो कोई बीकर है, बीकर में हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, जब हीट करेंगे, जैसे मान लो कि हमारे पास एक वाटर है, कंटेनर में वाटर है, अब इसको जब हम हीट करेंगे, ठीक है, तो इसके जो मॉलिक्यूल हैं लिक्विड स्टेट में जो है, वह हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, और हीट को अब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो आपका एटमॉस्फेयर जो प्रेशर लगा रहा है, एटमॉस्फेयर क्या कर रहा है, जो प्रेशर लगा रहा है, वह प्रेशर क्या और रहने वाला है, कॉन्स्टेंट रहने वाला है, जो प्रेशर है यहाँ पे एटमॉस्फेयर आप गर्म कर रहे हो तभी वही एटमॉस्फेयर है, हम जब गर्म नहीं कर रहे तभी वही एटमॉस्फेयर है, यानी जो एटमॉस्फेयरिक प्रेशर लगने वाला है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, ठीक है। तो आपका क्या है कि हीटिंग ऑफ वाटर इन ओपन कंटेनर आर द एग्जांपल ऑफ, आर द एग्जांपल ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस, या आपका जो भी लैब में आप रिएक्शन करते हो, ठीक है, मान लो केमिकल सब्सटेंस को दूसरे केमिकल सब्सटेंस से मिले, दोनों मिले प्रोडक्ट बनाए, क्या मिले, प्रोडक्ट बनाए, लेकिन जो एटमॉस्फेयर है वह जो आप रिएक्शन से पहले जो प्रेशर लगा रहा था, जो वायुमंडल था हमारा जो प्रेशर लगा रहा था, वही रिएक्शन के दौरान भी वही प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर में तो कोई चेंजिंग होने वाला नहीं है, ठीक है। वो भी क्या है, एक एग्जांपल है आइसोबारिक प्रोसेस का। आइसोचौरिक प्रोसेस क्या होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है कि चौरी का मतलब तो वॉल्यूम, वॉल्यूम, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होने वाला है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बाकी सब में चेंजिंग हो या ना हो, लेकिन वॉल्यूम में चेंजिंग नहीं होने वाला है। दोज प्रोसेस इन विच वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, ठीक है। ऐसे कौन से प्रोसेस हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल क्या हो सकता है आपका, जैसे मान लो एग्जांपल की बात मैं बात करूंगा, तो
तो मान लो मेरे पास एक एक सिलेंडर है, और सिलेंडर में क्या है हमारा, गैस भरा हुआ, क्या भरा हुआ है, गैस, क्या भरा हुआ है, गैस। इस गैस को हम हीट देंगे तो क्लोज कंटेनर है, सिलेंडर क्या है, क्लोज है, चारों तरफ से पैक है, ठीक है। तो जब इसके जब यह हीट यहाँ से बर्नर से क्या होगा, यहाँ पे इसमें ट्रांसफर होगा, सिलेंडर के अंदर ट्रांसफर होगा, सिलेंडर में जो उपस्थित जो प्रेजेंट मॉलिक्यूल हैं वह एनर्जी को अब्जॉर्ब करेंगे, और एनर्जी अब्जॉर्ब करेंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और मोशन ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो क्या होगा, ये तेजी से जब मोशन करेंगे तो तेजी से इसके वाल पे कोलिजन करेंगे, तेजी से कोलिजन करेंगे क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, और जब तेजी से करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो पहले गैस का वॉल्यूम था, गर्म करने से पहले, हीटिंग करने से पहले जो गैस का वॉल्यूम था, वही ड्यूरिंग द प्रोसेस में वही वॉल्यूम है, और जब आप इसे बंद कर देंगे, हीट देना सप्लाई बंद कर देंगे तो भी वही वॉल्यूम रहने वाला है, यानी वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। हाँ, गैस का टेम्परेचर हो सकता बढ़ जाए, हो सकता है प्रेशर बढ़ जाए, लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंजिंग नहीं होने वाला है। और एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करूँ क्या, तो एडियाबेटिक का मतलब होता है ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होने वाला है कि ना तो सराउंड सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, ऐसा प्रोसेस जिसमें सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी हीट का लेन देन ना हो, ऐसा क्या ना हो, हीट का लेन देन ना हो, यानी दो प्रोसेस इन विच हीट डज नॉट एक्सचेंज विथ सिस्टम, ठीक है, फ्रॉम द सिस्टम और आउट फ्रॉम द सिस्टम, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है हीट का कोई लेन देन ना हो, उसे क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। यानी इसमें क्या होने वाला है कि डेल्टा, अगर मैं बात करूंगा डेल्टा क्यू, देखो हीट को हम लोग यहाँ पर थर्मोडायनामिक्स क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या, जिससे क्यू, ठीक है, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू जीरो, यानी यहाँ पे डेल्टा का मतलब चेंजिंग, यानी प्रोसेस के दौरान न तो हीट में कोई चेंजिंग नहीं होगी। इसे मान लो कि मान लो सिस्टम है, इस सिस्टम पे कुछ चेंजिंग आ रही है, सिस्टम में कुछ प्रोसेस हो रहा है, सिस्टम के अंदर कुछ चेंजिंग आ रही है, ठीक है, लेकिन इस चेंजिंग के दौरान क्या होने वाला है, ना तो सिस्टम से, ना तो ये सराउंडिंग है, ना तो सराउंडिंग से सिस्टम में हीट आएगा, और ना तो सिस्टम से सराउंडिंग में हीट जाएगा, आना जाना दोनों ही बंद है, न तो हीट सिस्टम में आएगा, न तो हीट सिस्टम से बाहर जाएगा, आना जाना बंद। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होता है हीट का कोई लेन देन नहीं होता, उसे क्या बोलते हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस। जैसे मैं एग्जांपल बात करूं तो आपके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे आप टायर, क्या टायर, जब टायर फटता है, क्या है टायर, ट्यूब, टायर में ट्यूब ही होता मेनली, ठीक है, ऐसे होता है, इसके बीच में गैस भरा होता है, ठीक है, गैस भरा होता है ना, तो सिस्टम है, ठीक है, तो जब ये टायर फटता है, कहीं से फटता है, तो इसके गैस बाहर निकलते हैं, बहुत तेजी से निकलते हैं। तो होता क्या है कि इतना ये प्रोसेस, फटना जो प्रोसेस है, इतना तेजी से होता है कि ना तो बाहर से अंदर ही जा पाती है और ना अंदर से बाहर ही जा पाती है। तो क्या है, ब्रस्टिंग ऑफ टायर आर द एग्जाम्पल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है, ओके।